नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पे। और आज हम लेकर आए हैं 1 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है टॉप 10 की, तो हमारे साथ क्यूज में बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी साथ साथ दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूज, और इस क्यूज में आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है पहला सवाल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द JLL's ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2018? JLL, ठीक है, JLL ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 2018 में भारत का रैंक क्या है? 35, 48, 39 या 28? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर है बच्चे ए, यानी कि 35, ठीक है, नोट कीजिएगा, इसका आंसर है ए 35, ओके। और इसके बारे में बता दें कि भारत JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2018 में 35वें, ठीक है, 35वें रैंक पे आ चुका है, और जो पिछले 2 वर्षों में पारदर्शिता में अधिकतम सुधार दर्ज कर रहा है। नीति सुधार, वास्तविकता और खुदरा क्षेत्र में FDI का उदारीकरण, सार्वजनिक सूचना को मजबूत करने के किफायती आवास के लिए और उद्योग की स्थिति में आवंटित करके भारत ने रैंकिंग में आगे बढ़ने की अपने आप को मदद की है। जी हां, और सर्वेक्षण के मुताबिक UK शीर्ष स्थान पर है। जो UK है वो कहाँ है? तो सबसे टॉप पे है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नोट कीजिएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और अमेरिका है उसके बाद, और वेंजुलुवा जो है वो 100वें स्थान पे है। यानी कि टॉप 3 में UK, ऑस्ट्रेलिया और USA है, ठीक है। और 35 रैंक है इंडिया का, और यूजुवेला का एक रैंक बता दिया गया है यहाँ पे जो कि 100 रैंक पे है, ठीक है। और ये कम से कम पारदर्शी मार्केट है यहाँ का, ठीक है। ये JLL ग्लोबल रियल एस्टेट का मार्केट में सबसे ज्यादा रैंक है UK, ऑस्ट्रेलिया, USA का, और इंडिया का है 35 पे, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि हु अमंग द गिवन हैज वोन द वुमेन्स 100 मीटर इवेंट एट द 50th नेशन इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप? तो दिए गए लोगों में से 58वें राष्ट्रीय अंतर राज्य वरिष्ठ एथलीट चैंपियनशिप गुवाहाटी में महिला 100 मीटर की घटना किसने जीती है? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे डी, ड्यूटी चंद, ठीक है। इसका आंसर है क्या? तो ड्यूटी चंद, भारतीय धावक हैं ये। ड्यूटी चंद गुवाहाटी से रिलेट करती हैं, और इन्होंने 58वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है महिलाओं की, उसमें 100 मीटर का इवेंट्स को जीता है, और यहां से 11.30, इसको नोट कीजिएगा, 11.30 सेकंड, यानी कि 11 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने ये दौड़ कंप्लीट कर ली है, ठीक है, याद रहेगा। आंसर है 2 का डी, नोट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि द इंडियन नेवी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द पैसेज एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भारतीय नौसेना ने हाल ही में निम्नलिखित में देशों से किसके साथ मार्ग व्यायाम, यानी कि जो पैसेज एक्सरसाइज है वो शुरू किया है, ठीक है। तो अगर आंसर पता है तो आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए नीचे जाके कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी, यानी कि इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया नौसेना में अपने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज शुरू किया गया है, जिसमें कि भारत के नौसेना के जहाजों INS शक्ति और INS कैमरेटा ये शामिल हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम SBI PO का हो या प्रीलिम या फिर क्लर्क का हो। GK जरूर पढ़िए, GA जरूर पढ़िए, और बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे जरूर, और उनको भी आपको उनका भी PDF वगैरह सब मिलेगा आपको, ओके। चलिए तो इसका आंसर है सी बच्चे। अगला सवाल है हमारा कि द भारत सरकार 1 जुलाई यानी कि आज के दिन को GST दिवस के रूप में मनाएगी, जो कि वर्षगांठ होगी कौन सी? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ?
चलिए, तो इसका आंसर अगर आपको पता है बच्चे तो आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर है इट्स द फर्स्ट, ये पिछले साल लागू हुई थी, आप सभी को पता है जीएसटी आज ही के दिन 1 जुलाई के दिन, ठीक है, और ये आज अपना पहला वर्षगांठ मना रहा है जीएसटी। और ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था की पहली सालगिरह होगी जो कि चिन्हित की जाएगी 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस के रूप में, ठीक है, इसे मनाया जा रहा है जीएसटी दिवस के रूप में आज, जिसमें कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि के बीच 2017 में इसे लागू किया गया था। याद रहेगा ये एक साल मना रहा है, ये 2017 में लागू किया गया था और ये एक साल का हो चुका है जीएसटी। चलिए अगला हमारा सवाल है किस देश के साथ भेल बीएचईएल, ठीक है, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका नाम है, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के डिजाइन और निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए तो इसका आंसर अगर आपको पता है बच्चे तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए तो भारत और हैवी इलेक्ट्रिकल जो है कंपनी भेल ने दक्षिण कोरिया के साथ, जी हाँ आंसर है इसका सी, 5 का सी है बच्चे, आंसर नोट कर लीजिएगा, दक्षिण कोरिया के साथ फर्म में नैनो कंपनी लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी में साझे पर समझौता किया है। जी हाँ उत्सर्जन मानदंडों को अनुपालन करने के लिए कोयले अधिकारित थर्मल पावर प्लांटों के लिए उत्सर्जन तथा उपकरणों के डिजाइन और निर्माण के लिए इस समझौते के तहत एक हस्ताक्षर किया गया है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, नोट कर लीजिएगा इसे, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ये समझौता हुआ है। ओके भेल कंपनी है और वहां की नैनो कंपनी जो है लिमिटेड वो जो कि टेक्नोलॉजी सहयोग करेगी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के पुलिस विभाग के लिए गृह मंत्रालय ने कितने पुरस्कार और पदक की घोषणा की है। चलिए आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए बच्चे है सी यानी कि 6 का सी है आंसर, नोट कर लीजिएगा 4, ठीक है, भारत ने पुलिस विभाग के लिए गृह मंत्रालय ने 4 पुरस्कार और पदक की घोषणा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह ने राज्यों और केंद्रों से प्रशासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्रीय पुलिस संगठन CPO, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF और विशेष संचालन शामिल सुरक्षा संगठन के पुलिस अधिकारियों के लिए गृह मंत्री ने विशेष संचालन पदक का भी मंजूरी दे दी है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री ने तीन और पदक भी स्थापित किए हैं, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा पदक, असाधारण सुरक्षा प्रदर्शन और उत्कर्ष और अति उत्कर्ष सेवा पदके हैं। देखो कौन कौन सी हैं तो ये नोट कीजिएगा, सुरक्षा पदक और असाधारण पदक, ठीक है, और है आपके असाधारण आसूचक पदक है ये, ठीक है, और है उत्कर्ष पदक और एक है अति उत्कर्ष पदक, ठीक है। तो ये 4 पदक इन्होंने लॉन्च किया है पुलिस के लिए, ठीक है, कौन ने, तो राजनाथ सिंह ने जी, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं भारत के। अगला सवाल है कि हाल ही में राज्य में गट्टू सिंचाई परियोजनाओं के लिए आधारशिला निर्धारित की गई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना, तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए जल्दी से जल्दी सर कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों से, इसका आंसर मैं आखिरी में दूंगा यानी कि 10वें क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था आज के क्यूज में, इसलिए इसका आंसर मैं 10वें क्वेश्चन के बाद दूंगा, ठीक है, तो आप जरूर इसका आंसर कीजिए। हाल ही में राज्य में गट्टू सिंचाई परियोजना के लिए आधारशिला निर्धारित की गई है वो किस स्टेट में है, ठीक है, तो चलिए आंसर पता है आपको तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा 7 का, चुनावी बांड की बिक्री चौथी किस्त जारी करने और
उन्हें रद्द करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा बैंक अधिकृत किया गया है? तो बच्चे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है ऐसा, ठीक है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा किया है कि चुनावी बॉन्ड बिक्री के चौथी किस्त 2/11 जुलाई से होगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक्री के चौथे चरण में 11 प्राधिकृत शाखाओं में इसको इसके माध्यम से चुनाव बॉन्ड जारी करने के लिए सुझाव दिया है इन्होंने एसबीआई ने, और ये 1 मार्च 10 मार्च 2018 के बीच हुई थी 2017 में, ठीक है। चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा, चुनावी बॉन्ड जो है बिक्री की चौथी किस्त जारी की गई है किसके द्वारा, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई द्वारा, इसको नोट कीजिएगा। 8 का आंसर है बच्चे सी। चलिए अगला हमारा सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रबंधक निदेशक का नाम दिया है जिन्होंने हाल ही में पद का निर्माण किया है, वो कौन है, ठीक है। नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुज रिसेंटली स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द पोस्ट। चलिए इसका आंसर आप जल्दी से कीजिए, रजनीश कुमार बी श्रीराम। ये देखिए कल भी क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये है बी श्रीराम, जी हाँ। नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। इसका आंसर है 9 का बी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक का नाम दिए हैं जिन्होंने हाल ही में एक पद का निर्माण किया है जिनका नाम है बी श्रीराम, ओके। चलिए अगला हमारा सवाल है कि गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो बच्चे इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक, ठीक है। इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द आईसीआईसी बैंक, ओके, याद रखिएगा इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को कंपनी ने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में शामिल किया है। मौजूदा एमके शर्मा के कार्यकाल में की अवधि में 30 जून 2018 को ये समाप्त हो जाएगी, जो कि कल खत्म हो चुकी है, और ये आज से यानी कि 1 जुलाई से ये ज्वाइन कर चुके हैं आईसीआईसी बैंक, कौन, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, नाम याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, अब इसका आंसर, हाल ही में राज्य में गट्टू सिंचाई है ना, गट्टू इसका नाम देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में, गट्टू सिंचाई किस सिंचाई जो है वो किस राज्य में किस परियोजना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, आपको पता होना चाहिए भारत में सिंचाई परियोजना जो है वो वाटर पोर्टल एक बना है जो कि है बच्चे इसका आंसर गुजरात, जी हाँ गुजरात है इसका आंसर, याद रखिएगा आप लोग। गट्टू सिंचाई जो है रिलेटेड है किससे, तो ये कहां से रिलेटेड है, सॉरी इट्स आंसर इज तेलंगाना बच्चे, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, गुजरात में भी एक सिंचाई का परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। इट्स आंसर इज डी तेलंगाना, 7 का है आंसर डी तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव ने अपने जिले में विकसित जो वहाँ की सिंचाई विभाग है उसको विकसित करने के लिए इसे हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को ही गट्टू लिफ्ट सिंचाई यानी कि गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी कर दिया है इन्होंने, तो याद रखिएगा आंसर है डी तेलंगाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, गुजरात कुछ और दिमाग में चल रहा था बच्चे, इसलिए ठीक है। तो चलिए बच्चे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।